दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक का स्कूटनी का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्टावर कॉलेज में। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही बिहार बोर्ड ने इंटर का स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया, क्योंकि बहुत बच्चे इंतजार करते और बहुत समय बाद जाकर यहाँ पर जारी किया, लगभग 1.25 महीना के बाद जारी किया। इससे पहले तो जो फाइनल का रिजल्ट था वो आ गया था, एग्ज़ाम का रिजल्ट था वो आ गया था। लेकिन अभी बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, अभी किसी भी रिजल्ट में या किसी भी फॉर्म अप्लाई में बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है। लेकिन इस बार दोस्तों, जो भी कि इंटर में ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट आया है वो बहुत ही कम रखा गया है, 17 तारीख से 26 मई तक रखा गया है। अब बता दें दोस्तों, हो सकता है बिहार बोर्ड ये आगे चल कर ये बढ़ा दे डेट, जो फॉर्म फिल करने का 26 तारीख तक, हो सकता है कि डेट बढ़ा दे, क्योंकि अभी तक स्कूटनी का रिजल्ट जारी किया नहीं है और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे इंटर का स्कूटनी का रिजल्ट जारी किया है। तो अभी मैट्रिक वाले बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं जो कि फिल किए हैं स्कूटनी का रिजल्ट। तो दोस्तों अब काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटर वाला तो आ गया, मैट्रिक वाला कब आएगा। तो दोस्तों हम बता दें, यहाँ पर अभी देखिए, अभी लगभग एक हफ्ता बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक हफ्ता बाद ही आएगा, क्योंकि एकदम 1-2 दिन में तो अभी जारी कर नहीं देगा बिहार बोर्ड यहाँ पे मैट्रिक का स्कूटनी का रिजल्ट। और बात रहा कंपार्टमेंटल का, तो कंपार्टमेंटल का भी 1 महीना बाद ही आएगा। अब बात रहा इसका जो फॉर्म फिल करने का है, जो इंटर में अगर बच्चे नाम लिखवाना चाहते हैं, ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं फॉर्म, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको अर्जेंट है तो आप अभी भर लीजिए फॉर्म, क्योंकि अगर नंबर में कुछ गड़बड़ होता है तो लास्ट में जाकर आप कॉलेज में जाकर करेक्शन करवा सकते हैं एडमिशन के वक्त। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, देखिए 26 तारीख तक है, अगर 24 नहीं तो 25 को जानकारी आ जाएगा कि डेट बढ़ेगा कि नहीं। अगर बढ़ेगा तो ठीक है, आप स्कूटनी के लिए इंतज़ार कर लीजिएगा, और नहीं तो आप 24 मई को आप ऑनलाइन फिल कर लीजिएगा फॉर्म।